हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हसरत हाजिर हूं बॉटनी का एक और वंडरफुल सेशन लेकर। इन द लास्ट टू वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फ्यू लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने पिछले वीडियो में जो लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस की थी वो था डेफिनेट शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड होम्योस्टेसिस। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्शियसनेस, अडॉप्टेशन, एवोल्यूशन, एजिंग एंड डेथ। अनदर इम्पॉर्टेंट लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिपेयर एंड रीजन। जैसा कि आपको इसके नाम में ही समझ में आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने वुंड्स को रिपेयर करते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अपने खोए हुए बॉडी पार्ट्स को या बॉडी से अलग हो चुके बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट भी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि जैसे जैसे आप लोअर टू हायर ग्रेड की तरफ जाएंगे तो ये रीजनरेशन का जो ख़ासियत है या क्वालिटी है ये धीरे 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 कम होती जाएगी। जैसा कि इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, होमो सैपिंस है हम लोग, तो हमारे अंदर रिपेयर हो सकता है वुंड्स या ज़ख़म, लेकिन रीजनरेशन मुश्किल है फिल वक्त। जैसा कि कुछ किसी का हाथ चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन अब लोअर ग्रेड में अगर देखें जैसा कि एक चिपकली है तो उसका जो बॉडी पार्ट दोबारा से, चाहे दुम हो या उसका टेल हो, दोबारा से तैयार हो जाता है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट एंड नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑन योर स्किन। इट इज़ द एबिलिटी टू रिपेयर एंड रिन्यू डैमेज्ड लॉस्ट बॉडी पार्ट्स इन द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हील देयर वुंड्स और रिपेयर द डैमेज पार्ट्स। Another important life-defining function is aging. It is the progressive decline in the structure and functions of an organism. Yani, agar aapki umar 18 saal hai, to uske upar aapke biological age, yani pregnancy ka bhi period add karna hoga. That is called biological age. So if you are 18 years old, you are 18 years 9 months old. तो इट इज़ कॉल्ड बायो एज, और एजिंग को स्टडी करना कहलाता है जेरोंटोलॉजी। तो बताइए आपकी उम्र क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते। अनदर लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इज डेथ। हियर आई सेड लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इज डेथ। एक ऑर्गेनिज्म जब पैदा हुआ तो उसे मरना ज़रूर है, तो जो मौत है या डेथ है उसके स्टडी करने को हम कहेंगे थैनाटोलॉजी। और डेथ दो तरह की होती है, एक है क्लिनिकल डेथ है और एक है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ क्या है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी ह्यूमन बीइंग का हार्ट अचानक पंप करना छोड़ दे या हार्ट स्ट्रोक हो जाए तो ये कहलाएगा क्लिनिकल डेथ, जिसमें पल्स रुक जाएगी, ब्रीथिंग या सांस लेना रुक जाएगा, और जो आँख की जो काली पुतली है पीपल वो लाइट को रेस्पॉन्ड करना छोड़ देगी। दिस इज़ कॉल्ड क्लिनिकल डेथ। सो बायोलॉजिकल डेथ क्या है ये देखते। बायोलॉजिकल डेथ क्या है, यानी स्टॉपेज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। तो अगर ब्रेन का फंक्शंस रुक जाए तो जो जितना भी बॉडी के अदर ऑर्गेनिजम्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल, सब का फंक्शनिंग धीरे 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 रुक जाएगा। तो कैसे रुकेगा उसके बारे में आपके स्क्रीन पर कुछ बातें हैं, इन्हें याद रखिए। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। पैलोर मॉर्टिस, इट इज़ पेलनेस विच हैपन्स आफ्टर डेथ। Number two is liver mortis, settling of blood in lower portion of body. Number three is algor mortis, reduction of body temperature. Number four is rigor mortis, muscle enter a prolonged phase of contraction.
ये वो स्टेजेस हैं जो बायोलॉजिकल डेथ के बाद एक के बाद एक एक ऑर्गेनिज्म इससे होकर गुजरता रहता है। तो यही वो पीरियड या टाइम होता है जब इंटरनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।